एक गांव में चिंटू और मंटू दो दोस्त रहा करते थे। चिंटू और मंटू बहुत गहरे और अच्छे दोस्त थे। दोनों नौकरी की तलाश में गांव से शहर की तरफ जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे की हर हाल में और हर मुसीबत में मदद करेंगे, क्योंकि शहर में हमारा जानने वाला कोई नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं। वो ये बातें करते करते एक जंगल में पहुंच गए। जब वो जंगल में पहुंचे, मंटू वो देख सामने से रीछ आ रहा है। हाँ यार चिंटू, अब क्या करें? मंटू तू ही कुछ सोच। चिंटू क्या दरख्त पे चढ़ जाते हैं? मुझे दरख्त पे चढ़ना नहीं आता। मुझे आता है। ये कहकर मंटू दरख्त पर चढ़ गया। रीछ करीब आ रहा था। रीछ होता गौर से ही खाता। ये ख्याल आते ही चिंटू सांस बंद करके जमीन पर लेट गया। रीछ ने चिंटू को आकर सूंघा और मुर्दा समझकर आगे निकल गया। रीछ के जाने के बाद मंटू दरख्त से नीचे आया। चिंटू, रीछ ने तेरे कान में क्या बोला? रीछ ने कहा, दोस्त वो होता है जो मुसीबत में दोस्त के काम आए, जो मुसीबत में छोड़ जाए, और दोस्त से अकेले रहना बेहतर है। ये कहकर चिंटू घर की जानिब वापस चला गया।